हाय, मेरा नाम पंकज है और मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ। अभी 68 प्रीलिम्स को लेके मार्केट में कटअप का माहौल जो है वो यूट्यूब पे जैसा है वो हमेशा ही रहता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद, और यूट्यूबर्स और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग अपना कटअप का प्रोडिक्शन करते हैं, ठीक है। जो भी हो, मैंने अपना एक कटअप बताया 88 to 90। ये पूरी तरह से उन लोगों के फीडबैक पे बेस्ड है जो हर बार से मेंस दे रहे हैं और जिनका मार्क्स 115 से ऊपर था 67th प्रीलिम्स में, ठीक है। ऐसे मेरा खुद 118 था, मैंने अपना बताया। कई बार मैंने कई प्रीलिम्स क्लियर भी किए हैं, मेंस भी क्लियर किए हैं, यानी कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अभी क्या है, आयोग ने एक नया खेल शुरू किया है कि आप अपना मार्क्स डालो, मैं उसके हिसाब से कटअप बनाऊंगा। मेरा सवाल आयोग से है कि यू आर नॉट हियर सपोज टू डू दिस, ठीक है। आप ये करने के लिए नहीं है, इसका मतलब है कि आप ये कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मतलब अनावश्यक चीज़ कर रहे हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर कुछ दाल में काला है। आप भी उस भीड़ में शामिल होना चाहते हो और आप कहना चाहते हो कि हाँ हाँ बोले थे ना, सब कोई बोला था, मेरा भी आयोग पे भी जो डेटा आए थे उसके हिसाब से ही बात थी। भाई साहब, दो बार से मेरा प्रीलिम्स का प्रेडिक्शन जो है ना कटअप का गलत हो रहा है बिहार में, और सिर्फ बिहार में होता है 66th और 67th में, ठीक है। अगर 66 में मुझे पता रहता ना कि 108 कटअप जाएगा ना, वो भी हम मेरा मार्क्स 66 से प्रीलिम्स में 107 आया था, वो भी 108 हम लोग क्लियर कर लेते, लेकिन दिमाग में था कि 97 ही कटअप जाता है। और आप लोगों की क्या कारस्तानी थी 66 प्रीलिम्स में औरंगाबाद में, सबको पता है, और कितना निष्पक्ष आप लोगों ने एग्ज़ाम लिया था। तो डाउटफुल तो था, औरंगाबाद का एक इंसिडेंस आपके पूरे प्रोसेस पे 66 के प्रीलिम्स कंडक्ट कराने के टाइम पे आप पे डाउट क्रिएट करता है। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप हम लोगों से मांग लिए कि किस किस क्वेश्चन पे आपत्ति है। कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन पे आपत्ति है? आपने पेपर सेट किया है, आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है वो आप क्लियर करोगे जब आप प्रोविजनल आंसर की दोगे। लेकिन आपने दिखाया कि चलो देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, भले वो काम सही डायरेक्शन में है कि नहीं, चलो ठीक है, आप फीडबैक लेना चाहते हो, वो समझ में आता है। अभी आप कैसे सोच लिए कि अभी जो भी आदमी अपना मार्क्स बताएगा वो एग्जैक्ट सही बताएगा, किसी का 94 आ रहा है तो 96 लिख देगा किसी का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वो उनका साइकोलॉजी ऐसा है कि वो 4-5 क्वेश्चन जो ज़्यादा लिखेंगे, अच्छा लगता है लिखने में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनका मान लो 90 आ रहा है तो 95 लिख देंगे, 95 आ रहा है तो 100 लिख देंगे। और जब आप 2 से 3 लाख लड़कों से फीडबैक ले रहे हो, उसमें से अगर 50,000 लड़के भी फीडबैक देते हैं और उसमें से 1% भी लड़के उस तरह के हों, तो आपका कटअप का प्रेडिक्शन तो बिगड़ जाएगा। तो उस केस में आप हतोत्साहित कर रहे हो, आप और आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं आप बच्चों के साथ हूँ, ये सही नहीं लग रहा है आपका अप्रोच। आपको सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की जारी करना चाहिए, उसके बाद दूसरी बात है कि आपका जो पेपर है ना UPPCS के लेवल से ऊपर है, UPPCS के लेवल से ऊपर है, ठीक है। और UPSC में भी उसका भी कटअप ज़्यादा नहीं जाता, 90 से ज़्यादा नहीं जाता, उसमें सीट जनरल सीट बहुत कम रहता है, सामान्य प्रशासन की जो सीटें बोली जाती है वो कम रहती है। बिहार में उस तरह का कंपटीशन नहीं है यूपी जैसा, अनटिल एंड अनलेस 66 और 67 वाली व्यवस्था अगर आप इस बार BPSC में ना हो तो उतना कटअप नहीं जाएगा। तो फेस सेविंग नहीं करना है,
अपना काम करना है, आपके आपके काम करने के तरीके से आपका अप्रोच जो भी है उसको देख के लग रहा है कि उस पर भरोसा होता है। मुझे भरोसा होता है, मेरे साथ जो भी कुछ लड़के हैं उनका भरोसा होता है। मेरा 20 का ही सैंपल है, लेकिन 20 ऐसे लड़कों का सैंपल है जिसके हिसाब से कटअप का प्रेडिक्शन हो रहा है, लेकिन वो आपके वो प्रीलिम्स में वो 115 से, लास्ट ईयर 115 से ऊपर मार्क्स लाए थे, कोई कोई 120 122 लाए हैं। वैसे लोगों का मार्क्स 95 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ज़्यादातर कुछ कुछ का तो 85-90 के बीच में रह रहा है, ठीक है। और उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी है, पेपर का कटअप जो है मेरे हिसाब से 90 क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर हुआ है, मैं बार बार कर रहा हूँ, UPSC और UPBC में कटअप का प्रेडिक्शन हम लोग से हो जाता है, लेकिन बिहार के मामले में दो बार से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, आप लोग बेटर है अप्रिसिएट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा ये आप ही बता सकते हो। BPSC वाले उस लेवल तक नहीं जाते, जबकि हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैं तो डी मारा हूँ, देखता हूँ आप क्या दोगे। इस तरह का प्रश्न परेशान किया है, और इस बार ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा ही थी। यहाँ पे देखो, ओनली लगा रहता तब ए होता। जब ये चेंज होगा तो ये भी दोनों कहीं ना कहीं चेंज होंगे, और आपके स्टेटमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ब्रॉडली मेनली ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो ई होना, डी होना चाहिए। लेकिन आप क्या आंसर देंगे वो आप आंसर प्रोविजनल आंसर की जारी कीजिए, उसके बाद हम लोग उस पर अपना आपत्ति दर्ज करेंगे। तो पेपर वाज नॉट इजी, और आप कटअप गेम मत खेलो। इससे आपको ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगा। यूट्यूबर अगर वीडियो बना रहे तो बनाने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। आप अपना काम कीजिए ना, मतलब आयोग से कहना है कि आप अपना काम कीजिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। उसके बाद आप CDPO का भी कटअप देख लो, वो भी एक रेफरेंस मान लो, 105 गया था। सीट की अगर बात हो तो 50 से 55 के बीच में शायद थी, एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरा मानना है कि सीट की संख्या कुछ हद तक डिसाइड करती है कटअप को, बट पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कटअप को डिसाइड करने में। पेपर वॉज रियली डिफ़िकल्ट, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। ये वैसे ही लोग बता सकते हैं जो बार बार मतलब अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ा है। रोड चलते किसी से आप पूछोगे तो बोलेंगे बस थोड़ा सा और पढ़ना है, सब ठीक था। ये इसका तो मुझे अभी तक कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता चला, आप क्यों पूछें। और ऐसा है ना, आपके ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। कटअप कम जाने का रीज़न क्या है, जो लड़का 116 17 18 या 120 जुला रहा है वो पिछली बार मैथ में 10 में 10 सही किया था, तो ये एडवांटेज है। और इस बार वो उस लड़के के मात्र 8 सही हुए हैं और 2 गलत हुए हैं, तो यहाँ से 2.5 नंबर कम हो जा रहा है। और आप बोल रहे हो लास्ट 3 नंबर पे 50% बच्चे हैं, तो जनरल मेल का कटअप अगर 113 है तो चलो 3 नंबर बढ़ा लेते हैं, 113 पे कुछ बच्चे होंगे, एक फिर 114 पे होंगे, ठीक 115 पे होंगे। फिर भी अगर आप 116 कटअप मान लो तो 2.5 नंबर सब में, मैथ्स में साइंस में इवन ज़्यादा ही हुए होंगे, फिर भी एवरेज मान लेते हैं। हिस्ट्री में पॉलिटी तुलनात्मक आसान थी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं किसी को टफ भी लगा हो, क्योंकि पेपर पढ़ना था और स्टेटमेंट थे उसमें ऑप्शन से रंगना है, 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, 48 सेकंड पर क्वेश्चन। मैथ्स में कुछ सारे क्वेश्चन पे लगभग 1 मिनट से ज़्यादा समय लगे, साइन करना है वगैरह वगैरह, तो मुश्किल से 35 से 40 सेकंड हर क्वेश्चन पे मिलते हैं। 150 क्वेश्चन आप एक बार पढ़ोगे ज़रूर, ठीक है, 140 अटेम्प्ट किए तो वही 35 सेकंड, और उससे ज़्यादा करना बेवकूफ़ी है, लेकिन कुछ लोग करेंगे, मान लो एक्सेप्शन ऑलवेज प्रिवेल, तो वैसे लोगों के लिए 40 सेकंड का समय मिलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ना, फिर सॉल्व करना और बनाना, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट वाज रियली टफ, इसका डाटा था BRAP का डाटा और उसका डाटा, तो सब में 2.5 मार्क्स कम हो रहे हैं,
ये अटेम्प्ट करने के बाद का सिचुएशन है। कुछ क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, मान लो पॉलिटी आसान है 1.25, यहाँ भी 2.5, उसके बाद ज्योग्राफी में भी मान लो 1 ही मान रहा है 1.25, इकोनॉमी में भी 1.25 गलत, मतलब टफ है और गलत है। तो ये जो है 2.5, 5, 7.5, 8.5, 5, 7.5, 10, 10, 12.5, 12.5, 13.75 मार्क्स ऐसे कम हो रहे हैं। अभी जो निगेटिव हुए हैं, जो मतलब ह्यूमन एरर निगेटिव होते हैं वो अलग बात है, 116 में आप 13.75 घटाओगे ना तो आपको 102.25 बचेंगे। उसके बाद 140 लोग अटेम्प्ट किए हैं, उसमें ऑन एंड एवरेज लोग जो हैं गलत किए ही हैं कुछ। तो ये ऐसे है, मतलब अगर 116 को आप कट ऑफ मानते हो तो 102 रहेंगे। उसके बाद इसमें पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल है, इसमें उसके बाद मैंने यहाँ से पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल एडजस्ट किया है, जब आप उस समय के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हो। कट ऑफ 116 इसलिए माना है कि चलो 3 नंबर पे 50% लड़के हैं तो इस बार सीट आधी है, तो उतने लड़के आएंगे तो 115 तक में वो आधे लड़के आ जाएंगे, थोड़ा सा कम सीट है तो 116 प्रीलिम्स का कट ऑफ, तो 324 सीट रहती और 66 का पेपर का लेवल रहता तो हमारा कट ऑफ जो रहता 102.25 रहता। अभी निगेटिव एडजस्ट करना है, अभी यहाँ डिफ़िकल्टी एडजस्ट की है, जिससे यहाँ सीट एडजस्ट की है, उसके बाद वो नीचे जाएंगे। उसके बाद भी 24 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 6 क्वेश्चन नीचे जाएगा, 102 से 6 क्वेश्चन नीचे जाएगा। अटेम्प्ट ही 130 लोगों ने लिए हैं, 135 लिए हैं, अटेम्प्ट में भी कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं, जैसे मान लो मैंने 140 अटेम्प्ट लिए, 10 क्वेश्चन यहाँ छूटे हैं, तो मिनिमम 3 सही होते, 7 गलत होते, तो एक क्वेश्चन का एडवांटेज रहता ना मेरा 1.25 का, वो भी कम होगा, वो भी एडजस्ट होगा तो 101 बचेंगे। उसके बाद ह्यूमन कुछ क्वेश्चंस में ह्यूमन एरर हो गए, करेक्ट इनकरेक्ट जो है ना पेपर को टफ कर दिया है, करेक्ट इनकरेक्ट के कारण सबके 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम गलत हुए हैं, ठीक है। एक इनकरेक्ट के चलते करेक्ट इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करने में 1 क्वेश्चन और नन ऑफ द एबव और ऑप्शंस में जो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना कि कौन सा सही होगा, और जैसे ये क्वेश्चन है आपको दिखा रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन आपको वहाँ अल्टीमेटली बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जैक्टली अभी वही दिमाग में आ रहा है तो मैं वहाँ डायरेक्ट उस पेज पे चला गया। ये वाला है यहाँ पे, ये रिच अगर किसी ने पढ़ा तो दामोदर मारा, नहीं तो बहुत लोगों ने डी मारा, तो यहाँ पे किसी एक का ही सही होगा ना, आता दोनों को है थोड़ा थोड़ा। अब लास्ट के 40-35 सेकेंड में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना और रंगना है। सेम केस यहाँ है, शुगर और शुगर केन में मैं कन्फ्यूजन था, रिकॉल करना पड़ रहा था, मैं गलत कर दिया, मैंने भी मारा डी होगा इसका, समय लग रहे थे, पेपर वॉज नॉट ईजी। उसके बाद फिर वो तो मिनिमम बताया 102 की को डिफ़िकल्टी, 101 आया था ना वो क्वेश्चन छोड़ के, जो 140 अटेम्प्ट लेने पे 101 आ रहे। उसके बाद यहाँ पे है देखिए कोस्टल एरियाज, ये पढ़ना था इसको पढ़ते हुए, टुवार्ड्स द एंड ऑफ समर देयर वर प्री मानसूनस और विच आर कॉमन फेनोमेनन इन केरला कोस्टल, इसको ऐसे करना था, उसमें ढूंढना था, बहुत लोगों ने डी मारा, यहाँ पे ये होगा, इस तरह से पेपर टफ हो जा रहा था, यहाँ पे कन्फ्यूजन था, यहाँ पे इस सीरीज को ऐसे रंगना था इतना लंबा पढ़ने के बाद, फिर गल्फ ऑफ मन्नार मारना था, ठीक है। तो पेपर वाज नॉट ईजी, यहाँ पे देखिए बार बार कन्फ्यूजन हो रहा था इसमें मिजोरम इससे, तो याद रिकॉल करना था, तो 35 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहे थे, तो वहाँ पे टाइम भी कम बच जा रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पढ़ना तो है ही ना सारा क्वेश्चन, कम से कम आप रंगो चाहे नहीं 150 क्वेश्चन आप पढ़ते थे, तो इस तरह से इतना कन्फ्यूजिंग था डिटेक्ट। वहाँ पे साइंस में भी आपको बताया कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, उसके बाद आप 95 कट ऑफ बता रहे हो, तो आपके इंटेंशन पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अब आप कहोगे कि आपका ही फीडबैक है, आप हर जगह फीडबैक, ये वाली क्वेश्चन है यहाँ पे, या तो कोई ए मारा या कोई डी मारा, दोनों में से एक ही होगा,
जनरली यूपीएससी में जनरल स्टेटमेंट में मोर देन डी के साथ जाते हैं साइंस में, दूसरी बात है जो लड़के सेवन्थ मेंस दिए हैं उनको समय भी कम मिला प्रीलिम्स के प्रिपरेशन का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे पोस्ट ना होने के कारण 50 से 100 ही उनकी संख्या है, वो प्रीलिम्स नहीं दिए। ये सारा फैक्टर काम करेगा और कट ऑफ अभी भी मैं स्टिक करता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हुआ तो 90 क्रॉस नहीं करेगा। और ये भी मैं साथ में बोलना चाहता हूँ, ये जनरल मेल का कट ऑफ है, फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हुआ तो 90 कट ऑफ क्रॉस नहीं करेगा। 80 कट ऑफ का रेंज 88 टू 90 रहेगा। और साथ में यहाँ डिस्क्लेमर लगा देना चाहता हूँ मैं कि बीपीएससी का कट ऑफ का प्रेडिक्शन मेरा 66 और 67 दोनों में गलत हुआ था, और अब दोनों में गलत हुआ था, लेकिन आज तक यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कभी नहीं हुआ कट ऑफ का प्रेडिक्शन। हाँ, रेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है। और क्यों हुआ तो आप लोगों को पता ही है क्यों हुआ था। यहाँ पे आप 112 लाते हो, लेकिन बीपीएससी अपने हाथ में एक दो क्वेश्चन हमेशा रखता है और उसका जब आंसर किया आएगा तो आपका 5 नंबर घटना ही है। क्यों घटना है? लोग बोलते बढ़ते आए, किसी का नहीं बढ़ता, आज तक मुझे नहीं कोई मिला जिसका मार्क्स बढ़ा हो तो आपका 107 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला के कि कट ऑफ का तो जो भी प्रेडिक्शन है, आयोग से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट मत करो। आप सच यूट्यूबर उतना हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, वहाँ से जो लेना होता है यूट्यूब वीडियोस से हम लोग वो ले लेते हैं, बाकी जो नहीं लेना होता है वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपका ये जो कदम है ना, ये रियली वेरी इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो आप प्लीज़, कौन सही मार्क्स भरेगा, कौन सही मार्क्स भरेगा, किसको पता है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन से विवाद है। तो ठीक है, इतना ही कहना है आयोग से, और आयोग का जो ये डेटा का खेल है इससे बचना है थोड़ा सा। आयोग यहाँ पे मुझे आयोग के इंटेंशन पे डाउट हो गया, ये नहीं करना चाहिए था सारा। आपके पास इतना सारा काम है, वो सब काम छोड़ के अब ये सब करोगे आप? इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो परसेप्शन मैनेजमेंट हो गया ना, और उसके बाद फिर लोगों के साइकोलॉजी को समझ के आप अपनी बात उस हिसाब से रखोगे। आपने फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कराए, बाहर से तो बिल्कुल ही दिखा, अब अंदर क्या है? अभी इस स्टेप से तो मुझे डाउट हो रहा है कि अंदर क्या कुछ होने वाला है क्या। लोगों के पूरे माहौल को समझ के फिर डेटा को लेके कुछ उसके बाद मैनिपुलेशन करेंगे क्या उस हिसाब से? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। और मैं रियली बीपीएससी के चेयरमैन के एफर्ट को अप्रिसिएट करता हूँ, और वो जिस तरह से काम कर रहे, जो उनका अप्रोच है उससे उन पे कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ा है। लेकिन ये डेटा लेने वाला, कट ऑफ का प्रेडिक्शन करने वाला, जो कि अननेसेसरी है, अनवांटेड है, इस स्टेप को लेके थोड़ा मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ करना ही था तो प्रोविजनल आंसर की जारी कर देना था, और उस पर लोग बच्चे क्लेम करते, फिर उस हिसाब से आपको आगे निर्णय लेना था। धन्यवाद, मेरा बस इतना ही कहना है।